वीडियो एडिटिंग क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग शॉट्स, चूजिंग देयर ऑर्डर, देयर ड्यूरेशन एंड द वेज इन विच दे आर टू बी जॉइंड टूगेदर. एडिटिंग इज वेयर ग्राफिक्स, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स आर एडिट टू द फुटेज. तो एक वीडियो एडिटर का काम क्या है? एक वीडियो एडिटर एडिटिंग के जरिए खराब दृश्यों में सुधार करता है, साउंड ट्रैक को जोड़ता है, वीडियो की क्वालिटी को ठीक करता है और सबसे इंपॉर्टेंट वो रॉ फुटेज को संपादित करता है ताकि अलग अलग वीडियो को जोड़कर उसे कहानी का रूप दे सके. अब बात करते हैं कुछ चंद एडिटिंग टर्म्स के बारे में. सबसे पहले क्लिप. अ क्लिप इज अ वीडियो सेगमेंट. कवर शॉट अ वीडियो क्लिप दैट इज यूज टू कवर एन एडिट सो दैट द व्यूअर्स डू नॉट नो दैट द एडिट अकर्ड. द टर्म लिटरली मीन्स टू कट अवे फ्रॉम द एक्शन एंड इट कैन बी यूज टू कवर कंटिन्यूटी एरर्स और समटाइम्स शो अ पैरेलल एक्शन. नेक्स्ट इज कंटिन्यूटी. द गोल ऑफ द कंटिन्यूटी पर्सन इज टू मेक श्योर दैट फ्रॉम शॉट टू शॉट एवरीथिंग इज कंसिस्टेंट एंड कैन ईजिली बी एडिटेड टूगेदर. वेन समथिंग इन द सीन इज नॉट कंसिस्टेंट इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी एरर. कट. द कट और टेक इज द मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन इन एडिटिंग. इट इज एन इंस्टेंटेनियस स्विच फ्रॉम वन शॉट टू द नेक्स्ट. कट अवे शॉट यूज टू कवर एडिट्स वेन एनी सीक्वेंस इज शॉर्टेंड और लेंथेंड. जर्नली इट इज अ शॉट ऑफ समथिंग आउटसाइड ऑफ द करेंट फ्रेम. डिजिटाइज. कन्वर्टिंग द वीडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स इन टू द एप्रोप्रिएट डेटा फाइल्स. डिजॉल्व एन एडिटिंग ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएटेड बाई फेडिंग आउट वन इमेज वाइल फेडिंग इन द नेक्स्ट इमेज. डीवीई डिजिटल वीडियो इफेक्ट. फेड अ ग्रेजुअल चेंज बिटवीन ब्लैक एंड अ वीडियो इमेज. फिल्मिक टाइम. दिस एडिटिंग टेक्निक टाइटन्स अप द पेस ऑफ अ प्रोडक्शन बाई लिविंग आउट पोटेंशियली बोरिंग पोर्शंस ऑफ द सीन. फायर वायर ऑल्सो नोन एज द IEEE 3094 और आई लिंक. द फायर वायर इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट पीसेज ऑफ इक्विपमेंट सच एज कैमराज, ड्राइव एंड कंप्यूटर्स सो दैट दे कैन ट्रांसफर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सच एज वीडियो क्विकली एंड ईजिली. जम्प कट क्रिएटेड विद द एडिटर कट्स बिटवीन टू सिमिलर शॉट्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट. लॉगिंग. लॉगर्स व्यू द फुटेज एंड राइट डाउन द सीन टेक नंबर्स द लेंथ ऑफ ईच शॉट द टाइम कोड एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ ईच शॉट. रनिंग ऑर्डर. द ऑर्डर दैट द सीन्स और शॉट विल बी शोन इन द फाइनल प्रोजेक्ट विच मे डिफर ग्रेटली फ्रॉम द शूटिंग ऑर्डर. Shooting order, the order that the scenes are shot may be shot using the video camera, which may differ greatly from the running order. Timeline, the timeline usually includes multiple tracks of video, audio and graphics in a non-linear editing system. Trim, to cut frames of a shot to make it shorter. Voiceover, commentary over video. Wipe, a novel transition between two video images that can have many different shapes. And can have a hard or soft edge transition. अब बात करते हैं linear और non-linear editing के बारे में. Linear editing को tape to tape editing भी कहते हैं. इस तरह की editing में coverage के tapes को एक एक करके copy किया जाता है और फिर एक एक करके ही उन्हें edit किया जाता है. इस तरह की editing technique फिल्मों के लिए की जाती है और कई news channel भी इस तरह की technique को use करते हैं. नॉन लीनियर एडिटिंग को डिजिटल वीडियो एडिटिंग कहा जाता है. इस एडिटिंग में ऑन स्क्रीन कंप्यूटर पर काम किया जाता है. इसमें पूरी की पूरी कवरेज कंप्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध होती है. एडिटर उसे सीधा एडिट करता है. दोस्तों अब आगे हम बात करेंगे कि कौन कौन से वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं Adobe Premiere Pro की. दुनिया भर में Adobe Premiere Pro का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है. यह सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर है जिससे किसी भी तरीके के वीडियो को एडिट किया जा सकता है. इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ज़्यादातर प्रोफेशनल काम के लिए किया जाता है और ज़्यादातर कंपनियों में इसका ही इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट है फाइनल कट प्रो एक्स. फाइनल कट प्रो एक्स एप्पल बेस्ड एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ही डेस्कटॉप या फिर उनके लैपटॉप में ही चलता है. फाइनल कट प्रो एक्स वन ऑफ द फास्टेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. इसका इंटरफेस काफ़ी आसान है. इसके बाद बात करते हैं सोनी वेगस प्रो की.
सोनी द्वारा बनाया गया सोनी वेगस प्रो एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर मूवीज, टीवी शो, म्यूजिक वीडियो आदि बनाने के लिए किया जाता है। इससे हाई क्वालिटी वीडियो, 4K वीडियो, 3D वीडियो, मल्टी ऑडियो मिक्सिंग, DVD लेआउट और डिज़ाइन आदि पर वर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है साइबरलिंक पावर डायरेक्टर। साइबरलिंक पावर डायरेक्टर कमाल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी खास बात यह है कि इसमें ढेर सारे रेडीमेड फीचर आपको मिल जाएंगे, जिसे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक और खास फीचर है जो इसे और भी बेस्ट बनाता है, वो है इसका हाई क्वालिटी स्क्रीन रिकॉर्डर, जिससे आप अपने PC के सारे एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसे इसके सॉफ्टवेयर द्वारा एडिट किया जा सकता है। कोरल वीडियो स्टूडियो। कोरल ड्रॉ सालों से ग्राफिक के लिए काफ़ी लोकप्रिय सॉफ्टवेयर रहा है। इसी के फैमिली से कोरल द्वारा बनाया गया वीडियो स्टूडियो एक बेहतरीन वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये दो संस्करण में आता है, प्रो और अल्टीमेट, दोनों एक जैसे ही हैं, लेकिन अल्टीमेट में ज़्यादा प्रीमियम फीचर उपलब्ध है। अगर आप नए हैं तो इसका प्रो संस्करण से शुरुआत कर सकते हैं, बाद में अल्टीमेट का इस्तेमाल करें। फिल्मोरा 9, ये एक सिंपल सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि 4K वीडियो को सपोर्ट करता है। इसमें आपको बिल्ट इन इफेक्ट्स एंड टाइटल्स मिल जाते हैं। ये काफ़ी सस्ता सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और आप इसका फ्री वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एडिटिंग में बिगनर्स हैं तो आप एक बेहद ही ईजी सॉफ्टवेयर है पिनेकल स्टूडियो 22, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सॉफ्टवेयर है। इसमें आप मल्टी कैमरा कैप्चर और एडिट कर सकते हैं, आप कलर को कंट्रोल कर सकते हैं, साथ में ही आपको स्टॉप मोशन एनिमेशन का भी इसमें फीचर मिलता है, और ये बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर है। दोस्तों, ये सारे सॉफ्टवेयर जिनके बारे में हमने अभी बात करी, ये काफ़ी प्रीमियम और महंगे हैं। यदि आपको इन सॉफ्टवेयर को सीखना है तो आप इसके ट्रायल संस्करण से सीख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग कि फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। अगर आपके पास अभी उतने पैसे नहीं हैं कि आप एक पेड सॉफ्टवेयर परचेज कर पाए, तो आप फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की सहायता से भी अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इन फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स, टूल्स मिल जाएंगे जिनकी ज़रूरत एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करने के लिए होती है, और इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपन शॉट वीडियो एडिटर की। ओपन शॉट वीडियो एडिटर एक बहुत ही अमेजिंग फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप लिनक्स, मैक और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में आपको वो सभी टूल्स और फीचर मिल जाते हैं जो एक पेड वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। इस सॉफ्टवेयर से आप ऑडियो एडिट कर सकते हैं, अपने वीडियो में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, वीडियो में इफेक्ट डाल सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, वीडियो ट्रिम कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर हैं जिनका यूज़ कर आप अपने वीडियो को प्रोफेशनल तरीके से एडिट कर सकते हैं। हिट फिल्म एक्सप्रेस वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर में से एक है। इस सॉफ्टवेयर से आप प्रोफेशनल तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसे आप विंडो और मैक दोनों प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री में बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। ब्लेंडर एक बहुत अच्छा फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। ये स्पेशली वीडियो में 3D एनिमेशन डालने के लिए फेमस है। अगर आप अपने वीडियो में 3D इफेक्ट्स डालना चाहते हैं तो ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसमें आप वीडियो ट्रिम, मास्किंग, 3D एनिमेशन इफेक्ट जैसे कई सारे फीचर्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाते हैं, जिसको आप अपने वीडियो में डालकर एक अच्छा लुक दे सकते हैं। iMovie, इस फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से वीडियो को एडिट कर सकते हैं, बट इस सॉफ्टवेयर को केवल मैक यूज़र ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक मैक यूज़र हैं और आप एक फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सर्च कर रहे हैं तो iMovie आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। शॉर्टकट सॉफ्टवेयर को आप विंडो, लिनक्स, मैक सभी प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आप वीडियो ट्रिम, वॉइस नॉइस, कलर इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट जैसे कि फीचर का यूज़ कर अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। लाइटवर्क एक बहुत ही बढ़िया फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे यूट्यूबर अपने वीडियो को एडिट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना बहुत ही आसान है। इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि टाइमलाइन, मल्टी स्क्रीन, इफेक्ट ऐड करने का, वीडियो कट करने का ऑप्शन आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा। डाविंची रिजॉल्व
ये एक एडवांस वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको कई तरीके के प्रोफेशनल वीडियो फीचर्स मिल जाते हैं। आप वीडियो को स्लाइस कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, आप ऑडियो मास्टरिंग कर सकते हैं और साथ में कलर करेक्शन और मल्टीकैम एडिटिंग वगैरह के भी ऑप्शन आपको मिलते हैं। वीडियो पैड, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग टूल टू टेक योर फर्स्ट स्टेप्स इन द वर्ल्ड ऑफ मल्टीमीडिया वीडियो एडिटिंग। इसमें आपको प्री मेड ट्रांजिशन मिलते हैं, आप मूवीज को मल्टीपल रिजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप 3D वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, आप अपने शॉर्ट्स को स्टेबलाइज कर सकते हैं और आपको काफ़ी सारे साउंड इफेक्ट्स भी इसमें मिल जाते हैं। अब बात करते हैं वीडियो एडिटिंग ऐप्स के बारे में जिनसे आप अपने स्मार्टफोन से वीडियो एडिटिंग कर पाएंगे और आप अपनी वीडियो को बहुत अच्छा लुक दे सकेंगे। तो सबसे पहले आता है पावर डायरेक्टर। वीडियो एडिटिंग करने के लिए पावर डायरेक्टर सबसे पॉपुलर एंड्रॉयड ऐप है और आज ज़्यादातर लोग जो कि यूट्यूब पर वर्क करते हैं वे पावर डायरेक्टर का ही यूज़ करते हैं। पावर डायरेक्टर पर आप वीडियो को ट्रिम, क्रॉप और रिकॉर्ड कर सकते हैं जिससे आप अपनी मर्जी से वीडियो को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने वीडियोस में इफ़ेक्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्मोरा गो, फिल्मोरा वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और ज़्यादातर यूट्यूबर फिल्मोरा का भी यूज़ करते हैं और अब फिल्मोरा गो एंड्रॉयड ऐप पर भी अवेलेबल है। जब आप फिल्मोरा को यूज़ करते हैं तो आप अपने वीडियोस को आसानी से ट्रिम और कट कर सकते हैं, म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं और बहुत कुछ है जो आप अपने वीडियोस पर कर सकते हैं। किनेमास्टर, किनेमास्टर एक बहुत ही पॉपुलर और यूज़फुल वीडियो एडिटिंग ऐप है जिसमें आपको ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को टाइमलाइन पर इंपोर्ट करने के अलग अलग लेयर्स मिल जाती है जिससे आप अपने वीडियो को बहुत अच्छे से एडिट कर सकते हैं। मूवी मेकर फिल्म मेकर एंड्रॉयड ऐप अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग ऐप है क्योंकि इस ऐप से आप वीडियो को आसानी से ट्रिम, क्रॉप और रीऑर्डर कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ वीडियो इफेक्ट्स की वैरायटी अवेलेबल है जिससे आप अपने वीडियो को ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं और साथ ही इस ऐप को यूज़ करने पर आप कस्टम फिल्टर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। क्विक एक न्यू जनरेशन वीडियो एडिटिंग ऐप है जहाँ आप 50 से अधिक फोटोज़ और वीडियोज़ को यूज़ करके एडिटिंग कर सकते हैं। इस ऐप में वे सब कुछ है जो कि एक वीडियो एडिटिंग ऐप में होना चाहिए। आप आसानी से अपने वीडियो को ट्रिम, क्रॉप और म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। वीवा वीडियो एंड्रॉयड ऐप एक बहुत ही पावरफुल वीडियो एडिटिंग ऐप है जिससे आप अपने वीडियो को ट्रिम, क्रॉप और एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इस ऐप को यूज़ करने पर आपको 200 वीडियो फिल्टर और इफेक्ट मिल जाते हैं जिनसे आप अपने वीडियो को अमेजिंग लुक दे सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर एंड्रॉयड ऐप्स आपको फ्री में अवेलेबल हो जाती है और जो फ्री में नहीं है उन्हें आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपकी वीडियो में वाटरमार्क आ जाता है। दोस्तों, वीडियो एडिटिंग में माहिर होकर आपको प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन स्टूडियो के अलावा वेब डिज़ाइनिंग कंपनियों, न्यूज़ चैनल्स, विज्ञापन कंपनियों, BPO, म्यूज़िक वर्ल्ड्स में नौकरी मिल सकती है। अगर आप बहुत अच्छे एडिटर हैं तो फिल्म जगत में भी चांस मिल सकता है। आप एज अ फ्रीलांसर भी अपना एडिटिंग स्टूडियो का सेटअप कर सकते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम लोग फाइनल कट प्रो एक्स में किस तरीके से वीडियो को एडिट किया जाता है उस बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।